इन चीजों को अगर आप करोगे तो आपका एक्ने कभी ठीक नहीं होगा। वार्निंग, योर डेली स्किन केयर मे बी कॉजिंग योर एक्ने। यस, आपने सही सुना, मैंने अपना इतना एक्ने को ऐसे ठीक किया है। पर अगर आप ये मिस्टेक्स करोगे तो कुछ ऐसे 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 भी दिख सकते हो। आज मैं 10 मिस्टेक्स के बारे में बोलूंगी जिसके लिए आपको एक्ने निकल रहे हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, पुअर फेस वॉशिंग हैबिट्स। यस, दिन में 2 बार आपको फेस वॉश करना ही है। सुबह उठ के एक बार फेस वॉश करके अच्छा से एक स्किन केयर रूटीन करना है, फिर रात में भी सोने से पहले एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। यस, ये करना ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चीप और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में बहुत थिन लाइन है। चीप और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में, यू नो, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आर गुड बट चीप प्रोडक्ट्स आर नॉट। लाइक अगर आपको जाना है कौन सा फेस वॉशेस अच्छे है अफोर्डेबल रेंज में, तो मैं नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, उसे देख के आप अच्छे से अपना बजट का एक फेस वॉश ले सकते हो। और आई बटन पे भी वीडियो अभी पॉपअप हो रहा होगा, उसे भी क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख लेना। ओके, सो चीप प्रोडक्ट्स कभी यूज नहीं करना है, उसके अंदर बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जिसके लिए हमारे जो फेस है उसका नेचुरल ऑयल्स स्ट्रिप होता है, उसीलिए वो फेस वॉश हमारे स्किन का नुकसान ही कर रहे हैं, अच्छा तो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो चीप प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना है। और एक चीज जो है, लाइक मेकअप को रिमूव करना है। यस, मैंने बहुत देखा है कि लोग मेकअप को लगा के ही सो जाते हैं, तो मेकअप को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज ध्यान में रख के करना ही है। ओके, मेकअप को रिमूव करके ही फिर स्किन केयर करना है। अगर आपका मेकअप पोर्स में होगा उसके ऊपर आप स्किन केयर करोगे तो आपका स्किन क्लॉग होगा। ठीक है, तो मेकअप को रिमूव करके फिर ही हमें स्किन केयर रूटीन करना है। अब मिस्टेक नंबर 2, इनएडिक्वेट मॉइस्चराइजिंग। यस, अपने स्किन टाइप के हिसाब से आपको मॉइस्चराइजर चूज करना है। जो भी स्किन टाइप हो आपको मॉइस्चराइजर यूज करना ही है, तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने स्किन टाइप के अनुसार चूज करके उसे यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक ये वाला पिक्चर देखो, ये जो पिक्चर है ना, इसमें आप देख सकते हो लाइक मेरे स्किन का जो अपर लेयर है वो काइंड ऑफ उठ रहा है। सो क्यों है, लाइक मैं उस टाइम पे मॉइस्चराइजर ठीक से यूज नहीं कर रही थी, और ये विंटर का टाइम है, बहुत एक्ने हो रहे थे, तो उसलिए मेरा स्किन डिहाइड्रेट हो रहा है। तो उसके लिए मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी स्किप मत करना मॉइस्चराइजर। ओके, इससे और एक चीज भी हो सकती है, ओवर मॉइस्चराइजिंग। यस, हम मॉइस्चराइजेशन इम्पोर्टेंट है पर ज्यादा नहीं, लाइक जितना हमारे स्किन की नीड है उसके हिसाब से ही हमें मॉइस्चराइजिंग करना है। तो आपको मॉइस्चराइजर भी एक हद तक ही लगाना है, ज्यादा मत लगा लेना, तो उसके लिए भी पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, ओवर एक्सफोलिएटिंग। यस, एक्सफोलिएटिंग टू मच कॉजेज ड्राइनेस एंड इरिटेशन। सो लाइक बहुत ज्यादा अगर आप एक्सफोलिएशन कर लोगे, ओवर एक्सफोलिएशन कर लोगे, हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही हम एक्सफोलिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप कर लोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो स्किन के बैरियर है उसको इफेक्ट, लाइक उस पर इफेक्ट होगा और आपका स्किन का इरिटेशन होगा ही होगा। सो एक्सफोलिएशन एक हद तक ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है। यूजिंग रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन टाइप। यस, अगर आप गलत एक्सफोलिएटर यूज कर रहे हो, अपने स्किन टाइप के अनुसार गलत कुछ यूज कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइक आपको स्किन टाइप के अनुसार एक्सफोलिएटर्स भी चूज करना है। यस, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं वीडियो बना दूंगी। मिस्टेक नंबर 4, टचिंग योर फेस। यस, मैंने बहुत देखा है लोगों को ऐसे बात करते हुए, ऐसे बात करते, ऐसे नहीं करना है। अगर आप वो करते हो ना, आपके हाथों को जो बैक्टीरिया है और ऑयल्स अपने स्किन पे ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो उससे के लिए भी आपको एक्ने निकल सकते हैं। तो कभी मत करना, जब आप स्किन केयर करो तो हाथों को अच्छे से धो के फिर ही आपने लाइक फेस पे हाथ टच करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि उससे बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और होते भी है, उसके लिए भी आपको एक्ने निकल सकते हो। तो अपने प्लीज अपने हाथों को फेस से दूर रखो। ओके, नाउ मिस्टेक नंबर 5, पिकिंग और पॉपिंग पिंपल्स। यस, आपको कभी अपना पिंपल्स फोड़ना नहीं है, अगर आप एक पिंपल फोड़ोगे उसके लिए 10 निकलेंगे। यस, ये साइंटिफिक रीजन क्या है इसके अंदर का, देखो अगर आपने एक पिंपल फोड़ा तो अंदर आपने देखा ऊपर एक ही पिंपल फूटा है, पर अंदर एक एक्सप्लोशन हो रहा है आपके स्किन के अंदर, तो क्या है, उसके लिए बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन पूरा स्किन के अंदर वो लाइक हो जाएगा, और उसके लिए और भी सारे पिंपल्स आपको निकल सकते हैं। सो कभी मत करना। और आपने नोटिस किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये चीज होता है, अगर कोई पिंपल आपने टच नहीं किया उसका स्कारिंग नहीं होता है, पर अगर आपने कोई पिंपल को फोड़ा है तो
उसका स्कार बहुत दिन लगेगा जाने के लिए और वो इन्फ्लेम भी हो जाएगा और बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो कभी अपना पिंपल को फोड़ना नहीं है, आपको पिंपल पैचेस, एक्ने करेक्टर्स, जैसे कि मेरे दो बहुत फेवरेट्स है, फर्स्ट वन इज मारियो बडेस्कू, सेकेंड वन इज पिंक फाउंड्री। इसमें कोई सा भी एक ले लेना, मारियो बडेस्कू थोड़ा कॉस्टली है, आप पिंक फाउंड्री का ले सकते हो अगर आपको अफोर्डेबल में चाहिए, ठीक है, पर कभी पिंपल को फोड़ना नहीं है। मिस्टेक नंबर 6, यूजिंग एक्सपायर्ड और कंटामिनेटेड प्रोडक्ट। ऐसा बहुत होता है, देखो हम तो बहुत सारे स्किन केयर खरीदते हैं, हम गर्ल्स तो लाइक हमेशा कभी भी कुछ डिस्काउंट मिलता है तो हम लोग खरीद लेते हैं, पर बहुत ऐसा होता है कि हमने वो बहुत दिन यूज नहीं किया, हो सकता है तो फिर एक दिन लगा कि हाँ वो तो अच्छा है मैं लगा लेती हूँ, पर उसके लिए आपको एक्ने निकल रहा है। अब देखो वो क्यों हो रहा है, मे बी वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो गया। यस, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले उसका एक्सपायरी देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एक्सपायर हो जाता है वो कंटामिनेट हो जाता है, उसका जो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उसलिए तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कभी हमारे स्किन पे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये एक चीज ध्यान में रख के ही चलो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत दिन रखा हुआ है, हमने सोचा कि नहीं वो तो नया है वो हम लगा सकते हैं, पर एक्सपायर हो सकता है, तो हमेशा स्किन केयर देखो, अगर वो एक्सपायर्ड है तो कभी अपने फेस पे टच मत करवाओ। शेयरिंग मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, यस ये एक चीज बहुत कॉमन है, लाइक आपने अपना ब्रश किसी को दे दिया, नहीं देना है, अपना स्किन केयर और मेकअप किसी के साथ शेयर मत करो। यस, ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्किन केयर है उसका जो माउथ है उसके कोई टच कर रहा है, आप बहुत स्किन केयर जंकी हो तो आपको पता है कि उसको टच नहीं करना है, पर कोई और है, सपोज कि आपके घर में कोई छोटे सिबलिंग है तो आपने उसको दिया तो उसने उस पर टच कर दिया, तो वो पूरा कंटामिनेट हो जाता है प्रोडक्ट्स, यू नो। सो या ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, स्किन केयर हो मेकअप हो कुछ भी हो शेयर नहीं करना है, ये एक चीज अपने लिए ही करो। मिस्टेक नंबर 7, नॉट स्टेइंग हाइड्रेटेड। यस, डिहाइड्रेशन कैन लीड टू ड्राई एंड इरिटेटेड स्किन। अगर आप लाइक ज्यादा पानी नहीं पियोगे ना तो आपका स्किन ड्राई हो सकता है, उसके लिए इरिटेट भी हो सकता है। यस, क्योंकि देखो एक अमाउंट ऑफ पानी हमारे बॉडी को जरूरत है, बॉडी को चलाने के लिए, अगर आप वो नहीं पियोगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिर्फ एक्ने नहीं बहुत हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है अगर आप पानी कम पीते हो। तो पानी एक अमाउंट तक, 2 से 3 लीटर पानी लाइक एक दिन में आपको पीना ही चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा भी मत पी लेना, लाइक 2 से 3 लीटर, इससे ज्यादा पानी कभी मत पीना, ठीक है। मिस्टेक नंबर 8, पुअर डाइट। यस, अगर आप ये चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो तो आपका एक्ने निकलना अनिवार्य है। यस, अगर आप ऐसे फूड्स खा रहे हो जिसमें बहुत शुगर है, फिर डेयरी है और प्रोसेस्ड है फूड, तो आपको उसके लिए भी इरिटेटेड स्किन हो सकता है। यस, बहुत कॉमन है, लाइक मैंने ऐसे भी देखा है कि लाइक सिर्फ डेयरी बंद करने से उनका एक्ने ठीक हो गया, लाइक मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, यू नो, इफ आई ड्रिंक मिल्क आई विल गेट एक्ने, सो इट इज वेरी कॉमन। ये एक चीज ना बहुत कॉमन है, लाइक ये कुछ चीजें आप अवॉइड करो जो मैंने दिखाया है, तो लाइक इसके लिए भी आपको एक्ने निकल सकते हैं। मिस्टेक नंबर 9, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। यस, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड हार्मोनल इम्बेलेंसेस थ्रू विच यू कैन गेट इरिटेटेड स्किन। यस, बहुत कॉमन है, अगर आप लाइक ज्यादा सोओगे नहीं, जितना आपको बॉडी के नीड है उससे कम सोओगे, तो उसके लिए आपको हार्मोनल इम्बेलेंसेस हो सकते हैं और ज्यादा स्ट्रेस लोगे उसके लिए भी हो सकता है, तो इसी चीजों के लिए आपका इन्फ्लेमेशन स्किन पे आ सकता है, बहुत एक्ने हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बेलेंसेस हो सकता है, उसके लिए भी आपको एक्ने निकल सकते हैं। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, जितना आपको बॉडी के नीड है 8 to 10 hours ऑफ स्लीप वो करना है, ठीक है। लाइक मुझे पता है बहुत बिजी लाइफ है हमारा, बट स्टिल ये कुछ चीजें हमें करना है, लाइक मेडिटेट करो, योगा करो, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। कौन क्या बोल रहा है उसको लेके हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, और जितना हमें सोने की नीड है उतना सोना है, ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स लाइक नॉट ओनली एक्ने, बहुत हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मिस्टेक नंबर 10, नॉट प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम सन। यूवी रेस के लिए आपको सन डैमेज, देन इन्फ्लेमेशन और PIH जैसे चीजें भी हो सकते हैं ना। व्हाट इज PIH? PIH स्टैंड्स फॉर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ये एक बहुत कॉमन चीज है, जो लोग कभी भी लाइक सनस्क्रीन नहीं लगाते उनके ऊपर ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो एक अच्छा सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है, उससे भी आप अपने बजट अनुसार एक सनस्क्रीन ले सकते हो, और एक वीडियो भी मैंने लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख के आप अपने बजट के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हो। ओके,
नाउ ये तो 10 मिस्टेक्स थे जो कि काफी लाइक हम ये मिस्टेक्स करते हैं उसके लिए हमें एक्ने निकलते हैं, पर ये एक चीज याद रखना है कि हर एक इंसान का स्किन अलग है और आपके स्किन के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा मिस्टेक आप कर रहे हो, फिर जाके ही आपको एक हेल्दी स्किन मिल सकता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। I hope this video was helpful. Thank you so much for watching. और अगर आपने कोई mistakes किया है तो आप comment section में मुझे बता सकते हो ताकि और कोई वो mistake ना करे। और यहाँ आपको एक मेरा video का link मिलेगा जो आप देख सकते हो अभी। Thank you so much for watching. I will meet you in my next video. Up till then, stay safe, stay happy. Goodbye.